यह है 2024 और हम हैं इसराइल की जमीन पर। बट दैट्स हाउ क्राइस्ट एनकाउंटर्ड विद मी। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द गॉस्पेल एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन इन 2003। इन 2002 आई गॉट बर्न। इसराइल की जमीन से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प इंफॉर्मेशन, पर इन सबसे बढ़कर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेटिक सर्मन्स, कुछ बहुत सामर्थी प्रोफेटिक बाइबल के संदेश उन जगहों से जहां यीशु मसीह चले फिरे, उठे, खाया पिया और उन्होंने बड़े बड़े मौजजात किए। India. You're saying hi to Indians, huh? Wow. इन संदेशों को सुनने के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहने वाले, पर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा और कुछ महान होने जा रहा है। इसलिए देखें और आशीष पाएं और दूसरों के साथ भी बांटें। Praise the Lord. इससे पहले हम इस सामर्थ्य वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है और वो ये है कि अगर आप में से कोई भी इसराइल जाने में इच्छुक हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल में जा सकते हैं, इस फोन नंबर को डायल कर सकते हैं। ये है मिस्टर रंजीत टोपो, जिनकी टूर कंपनी का नाम है होली लैंड पिलग्रिमेज टूर। इनके पास कई सालों का इसराइल ले जाने का, मिडल ईस्ट ले जाने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और स्पेशली नॉर्मल डेज में सब जाते हैं। हम लोग उस वक्त में गए जिस वक्त इसराइल में एक बड़ी वॉर चल रही है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके बावजूद रुकने का, खाने पीने का, हर चीज़ का इंतज़ाम सबसे अच्छा था। और बाय फेथ आप लोग जा सकते हैं, परमेश्वर आपको अपना डिवाइन प्रोटेक्शन भी देगा। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा बाइबल को समझने का, जानने का और उन जगहों को देखने का जहाँ यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री करी। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, चाहे तो बता सकते हैं ब्रदर एंजल या पास्टर एंजल के रेफरेंस से हम आए, तो जो भी बेस्ट डील होगी आपको ज़रूर मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो साइट है पर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया था, यू नो सर्मन ऑफ द माउंटेन, व्हेन वी विल रीड मैथ्यू 5-7। दिस इज द प्लेस, अब इसे चर्च में तब्दील कर दिया है। सी ये खूबसूरत नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज एक्चुअली द सी ऑफ गैलिली, है ना, ये री झील गलील वाली। सी द ब्यूटी, अभी दिखाएंगे इसे और आराम से, पहले आप देख लें अच्छे से इस चर्च को। यहीं से यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश, सर्मन ऑफ द माउंटेन प्रीच करा था। सी दिस इज द साइट। सी people are worshiping. See. See. Praise Abba. Robo shanda raba soto robo shi. Abba robo khoto raba shi. Santa raba shi. Robo shanda raba. Santo raba shi tarabe. Rakando raba. Santa raba shi khoto raba. Beautiful cat. अभी को जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो सर्मन ऑफ द माउंटेन है उससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। छोटी सी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपको लंबे चौड़ा नहीं, एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि अगर हम मैथ्यू 5 को फर्स्ट वर्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए, समझ रहे हैं आप इस बात को, और लिखा है चेले उनके पास आए। ऐसा नहीं लिखा कि जिस भीड़ को यीशु मसीह प्रीच कर रहे थे वो यीशु मसीह के पास आए, पर लिखा है कि चेले जो यीशु मसीह के थे वो यीशु मसीह के पास पहाड़ पर आए, उनके पास चढ़कर।
भीड़ में ज्यादातर लोग कौन होते हैं? अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जिनका अपना अपना एक कोई फायदा होता है। भीड़ में किसी को लगता होगा भाई यीशु मसीह जो है वो खाना खिलाते हैं, मछली और रोटी खिलाते हैं मेरे कल करके, तो हम लोगों की भूख मिट जाएगी। किसी को लगता था मेरी टांग टेढ़ी है तो सीधी कर देंगे यीशु मसीह, है ना। किसी को लगता था मेरी आंखें बंद है तो खुल जाएंगी। कोई सोचता था मैं गूंगा हूं तो मैं बोलने लगूंगा, या मेरा रिश्तेदार या मेरी माँ, मेरी बहन या मेरा भाई या मेरा चाचा या मेरा ताऊ या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई वीकनेस है, तो ठीक हो जाएगी। सब अपने अपने काम से, अपने अपने मतलब से यीशु मसीह के पीछे थे। और आई एम टेलिंग यू, मैं ये आपको उसी जगह से बता रहा हूँ जहाँ से यीशु मसीह ने ये Matthew 5-7 प्रीच करा था, है ना। तो जो प्रभु का आत्मा मुझे इस वक्त बता रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भीड़ में सब लोग क्या हैं? अपॉर्चुनिस्ट। जब आप मैथ्यू 5 को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, 1st, 2nd, 3rd, और जब आप पूरा पढ़ेंगे, मुबारक है वो, धन्य है वो, धन्य वो, ब्लेस्ड आर दोज, ब्लेस्ड आर दोज। तो ये है कि भीड़ में सब लोग अवसरवादी हैं, लेकिन लिखा है चेले यीशु मसीह के पास चढ़कर पहाड़ पर आए, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने में मेहनत लगती है और भीड़ वो मेहनत कभी करना नहीं चाहती है। हेलो ईसा, प्लीज से हाय। Hi, hello. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord. This is Brother Isa. Yeah, he's a Christian. He's just telling us about the things in details. He's such a wonderful guide. Thank you, brother. Thank you for the cooperation. For nothing. Wow. Praise the Lord. So, तो भीड़ में ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं? भीड़ में लोग अवसरवादी होते हैं। भीड़ में लोग कैसे होते हैं? जिनका अपना एक फ़ायदा होता है यीशु मसीह के पीछे चलने का। पर जब चेलों के लिए लिखा, चेले यीशु मसीह के पास पहाड़ पर आए हैं, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने में मेहनत लगती है और भीड़ वो मेहनत करना नहीं चाहती है। जब शागिर्द होने की, डिसाइपल होने की बात होती है तो इट इज एक्चुअली अ सीरियस डील, दैट इज अ सीरियस बिजनेस। और जो यीशु मसीह के पीछे सीरियसली चलना चाहते हैं वो हमेशा पहाड़ चढ़ेंगे, और पहाड़ चढ़ने का मतलब है दे विल ऑलवेज गो अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि पहाड़ में चढ़ने में, जब आप पहाड़ को चढ़ेंगे तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ग्रेविटी के लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हो, ग्रेविटी आपको खींचेगी। जब आप अपनी कॉलिंग को, क्योंकि आप पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है जब आप यीशु मसीह कमांडमेंट्स को मानेंगे, इट इज नॉट अ इजी जॉब, इट्स लाइक आप अपनी कॉलिंग को, अपनी आप खुदावंत के कलाम को बांट रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ने जैसा है जिसमें आप जमीन, क्योंकि जमीन को चाटता कौन है? सांप। जमीन से चिपका रहता है, जमीन का फ्रिक्शन उसे अट्रैक्ट करता है, वो चिपक के चलता रहता है। पर शागिर्द जो हैं वो सांप के नेचर से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वो ऑलवेज, दे ऑलवेज गो अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के हमेशा अगेंस्ट में जाके बात करेंगे। यानी कि जमीन के लॉ, है ना, इफ और बट्स को अलग साथ, अलग एक साइड रख देंगे वो लोग। वो हमेशा सोचेंगे, जैसे मैंने जब खिदमत में आया, कई लोगों ने मुझे कहा अरे कुछ लिविंग के लिए कुछ तो चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, जॉब छोड़ दी, सेवा में आ गए, कैसे करोगे, सिक्योरिटी चाहिए हम लोगों को जब, है ना। तो मैंने भी उनसे यही बोलता था, प्रभु ने यही बात तो फिर पतरस से बोली थी, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, और उसको उसके लिए फुल टाइम कॉलिंग आ गई थी। तो मैंने कहा इसलिए तो हम लोग विश्वास की आंखों से देखकर चलते हैं, शारीरिक आंखों से नहीं देखते हैं हम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कई बार हम लोग ऐसे ही चलने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम लोगों को देखकर चलना है, जब मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, जब मेरे बैंक में इतना बैलेंस आ जाएगा, मेरे पास इतना पैसे का पता चल जाएगा, मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, देन ओके ठीक है, देन आई एम गोइंग टू फॉलो माई कॉलिंग। कुछ बाहर से थोड़े मेरे कनेक्शन हो जाते हैं, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, कहीं से कुछ ऐसा तो लगे ना कि कुछ मेरे को ऐसा सपोर्ट आ रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में कुछ दिखे तो मैं आगे बढ़ूं स्वर्गीय बातों को, हेवनली बातों को, अपनी कॉलिंग को, अपने मिशन को, अपने असाइनमेंट को, फिर मैं फॉलो करूं। लेकिन नहीं, आपको और मुझको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है। जीसस पहाड़ पे बैठे हैं, है ना, इसलिए लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएंगे। यीशु मसीह के डिसाइपल ये वही लोग थे जो सच्चे और रियल अपोसल्स बनने वाले थे, जो दुनिया को हिलाने वाले थे, और ऐसी दुनिया को नहीं हिलाएंगे। नाम के आगे अपोसल लिख लिया, नाम के आगे प्रॉफिट लिख लिया, ये लिख लिया या वो लिख लिया तो मैं दुनिया को हिला दूंगा। दुनिया को हिलाने के लिए आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। शॉर्टकट में प्रचार मत करिए, वो प्रचार मत करिए जो भीड़ सुनना चाहती है। डोंट प्रीच ओनली अबाउट द प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग एंड दिस एंड दैट, नो,
डोंट यूज दिस शॉर्टकट. शॉर्टकट में शायद सेफकाई बढ़ जाएगी लेकिन लॉन्ग रन में उसका क्या रहेगा, लॉन्ग रन में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा. वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, वो कुछ टाइम के लिए ही रह पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, इस बात को याद रखना. तो मैं जो आपको बताने जाऊँगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाइए, लॉ के अगेंस्ट में जाइए. शागिर्द होने का मतलब, चेले होने का मतलब वो लोग जो हमेशा नेचुरल लॉस के अगेंस्ट में जाएंगे. नेचुरल लॉस के अगेंस्ट में जाने का मतलब जानते हैं, जब आप शरीर के लगेगा चीज़ें इम्पॉसिबल हैं. जैसे पतरस गया, पतरस के सामने झील थी, उसने कहा जब यीशु मसीह चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ. शायद चेले जो बाकी के थे शागिर्द, उन्हें लगता होगा ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, ये कोई यीशु मसीह थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना कर सकता है ऐसा. अगर उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता हो तो शायद वो लोग यही बोलते शायद पतरस के लिए, ये क्या यीशु मसीह बन रहा है, यीशु मसीह चल सकते हैं भाई पानी पर, है ना, ये थोड़ा चल सकता है. पर व्हाट हैपेंड, पतरस भी चला नेचुरल लॉस के अगेंस्ट में. यानी नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, पानी पे चलना तो बिल्कुल इंसानी कुवत और सामर्थ्य से बाहर की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता. अरे हाँ, हमें वही करना है जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें इम्पॉसिबल हो. आज हम वैसे प्रचार करना चाहते हैं, वैसी खिदमत करना चाहते हैं, वैसी क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं, या वैसी चीज़ों को परमेश्वर से मांगते हैं जो सिर्फ नेचुरली पॉसिबल है. और अभी तक इसका मतलब हम लोग पहाड़ पे चढ़ना नहीं सीखे हैं, हम अभी तक ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना नहीं सीखे हैं. आपके लिए ग्रेविटी क्या है आज? आपके लिए ग्रेविटी आपकी क्या है? क्या चीज़ है? आपकी कोई वीकनेस है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है? कोई टेम्पटेशन है वो ग्रेविटी जो आपको अपनी तरफ खींच रही है? उसके अगेंस्ट जाइए, पहाड़ पे चढ़िए, ज़मीन के अगेंस्ट जाइए. यही क्रिश्चियन लाइफ है. आज वो ग्रेविटी मसीहों के लिए क्या है इंडिया में? परसिक्यूशन, सताव, कन्वर्जन बिल. प्रभु कह रहे हैं सब चीज़ें एक तरफ रख दो, इग्नोर कर दो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओ. मैं तुम्हारे ज़रिए दुनिया हिला दूंगा, हिंदुस्तान को हिला दूंगा, इंडिया को सुसमाचार से हिला दूंगा, यीशु के नाम से हिला दूंगा. मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ. प्रभु कह रहे हैं शागिर्द होने का मतलब वो लोग जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएं पहाड़ की तरफ जहाँ यीशु बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट, आज आपकी ग्रेविटी क्या है? गरीबी है, चैलेंज है, वीकनेस है, ट्रायल है, टेम्पटेशन है, सफरिंग है, क्या है वो चीज़? और वो चीज़ जो भी है, आज यीशु कह रहे हैं उसके अगेंस्ट जाओ. और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने मुंह खोलकर उन्हें प्रचार करना शुरू करा. मतलब मुंह खोलकर फिर वो प्रभु ने बोलना शुरू करा, धन्य वो है, धन्य वो है, धन्य वो है ना. क्योंकि चेले ही शागिर्दों के लिए वो चीज़ पहले आई, भीड़ के पास इको जा रही थी. कितनी खूबसूरत बात है, जब खुदावंद ऊपर से प्रचार करेंगे, ऊपर से बोलेंगे, तो चेलों के पास तो बिल्कुल क्या आएगा, फ्रेश रेवलेशन. उसका इको जो है भीड़ के पास जाएगा. जब आप पहाड़ों पे से बोलेंगे ना कोई भी चीज़ हेलो, तो उसकी ईको जाएगी ना 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 पूरे में. तो चेले वो थे जिनके पास रियल वॉइस आ रही थी, भीड़ के पास ईको हो जाएगा. यानी सबसे फ्रेश अनॉइंटिंग, सबसे फ्रेश रेवलेशंस, सबसे फ्रेश मना आपको मिलेगा जब आप भीड़ के अगेंस्ट में जाएंगे. मेरी आज प्रार्थना यीशु के नाम से, जो भी चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, प्लीज़ भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा. भीड़ अपॉर्चुनिस्ट होती है, मैंने आपको बताया. सब अपने अपने मतलब से यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं. कोई चाहता है जल्दी से सक्सेस मिल जाएगा, कोई चाहता है जल्दी से मैं क्या कह लीजिए ब्लेसिंग मिल जाएगी, हीलिंग मिल जाएगी, डिलीवरेंस मिल जाएगी. ये सब तो होगा ही, खुदावंत करेंगे ही, वो तो है ही. He is still in the business of deliverance and healing and supernatural and signs and wonders. But what I'm trying to tell you, कि शागिर्द होने का मतलब जानते हैं, जहाँ यीशु है वहाँ मैं. यीशु मसीह पहाड़ पे हैं क्योंकि यीशु मसीह ग्रेविटी के अगेंस्ट रहते हैं. वो उकाबों के उकाब हैं. He is always on the top. खुदावन कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरे बेटे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी आ जाओ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. भीड़ उस जगह नहीं जाती, पर हमको और आपको जाना है. और फिर जहाँ उधर पहुँचते हैं तब हमें वहाँ से ईगल आई वाला विजन मिलता है, हमें रेवलेशंस मिलते हैं, हमें इंसाइट्स मिलती हैं, हमें प्रोफेसीज मिलती हैं, हमें रियल रेवलेशंस मिलते हैं. और फिर हम समझ पाते हैं यीशु मसीह को और नज़दीकी से जान पाते. इसलिए हम गासी नहीं गाते, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे. ये गाना तो बहुत आसान है, पर क्या इसे हम जीना भी चाहते हैं? जहाँ यीशु मसीह बैठे हैं, हालेलुया, पिता के दाहिने हाथ, प्रभु कह रहे हैं आ जाओ इधर, हालेलुया. और जब हम उधर जाएंगे, देन वी आर गोइंग टू बी द पीपल
who is going to make the difference. हम लोग वो लोग हैं जो एक बड़ा डिफरेंस लाएंगे. वी कैन बिकम द प्लैनेट शेकर. आप समझ रहे हैं, वी कैन बिकम द हिस्ट्री मेकर. वी कैन बिकम अ जाइंट किलर. और खुदा हम जैसों के ज़रिए अपना अद्भुत काम, अपनी अद्भुत सामर्थ और अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करते हैं. फिर तो आज हम ये प्रार्थना करें इसी जगह से जहाँ से यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, इस सर्मन ऑफ द माउंटेन को प्रीच करा, कि वाकई में मेरे यीशु, वाक्य में मेरे यीशु, वाक्य में मेरे प्रभु, मुझे वो बनाइए कि यीशु जी अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाऊं. मैं भी मेरे यीशु जी इस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करूं. मैं भी प्रभु ये जो ग्रेविटी, ये ज़मीन मुझे अपनी तरफ खींचती है, वो जो ग्रेविटी मुझे अपनी तरफ खींचती है वो मेरी ट्रायल हो सकती है. कोई टेम्पटेशन, कोई इम्तिहान, कोई परीक्षा, कोई टेम्पटेशन हो सकती है, हाँ खुदावन जी, लेकिन मुझे उस ट्रायल के, उस प्रोसिक्यूशन के, उस सफरिंग के, उस चैलेंज के, उस सिन के अगेंस्ट में जाना है. यीशु आज अपने लोगों को ऐसी सामर्थ और मसा और अभिषेक दीजिए, ऐसे अपने रूह की भरपूरी और मामूरी दीजिए कि अब आपके लोग पूरी तरीके से इस ग्रेविटी के अगेंस्ट जा सकें और उधर जाएं जहां आप विराजमान हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां खुदावंद आप हैं. यीशु आपके लोग वहीं पर जाएं, वहीं पर आपके लोग भी विराजमान हों. ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, ओ यीशु जी, हमें और ज़्यादा अपनी उपस्थिति में ले चलिए और पाकरू हमें यीशु की प्रेजेंस में ले चलिए. हमें भी उसी जगह पे जहाँ यीशु पिता के दाहिने हाथ में हैं, हाँ बैठे हुए हैं. और वचन यही कहता है, हम मसीह के साथ स्वर्गीय आशीषों में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ. हाँ हम भी वहीं हैं, लेकिन अब हमें वहाँ अप्रोच करना है, उस जगह पर जहाँ यीशु मसीह हैं. हालेलुया. ओ जीसस क्राइस्ट, ओ राखांदो राबा, प्रेज अबा. देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि जीसस क्राइस्ट ऐसे ही कहीं टेक लेके बैठे होंगे इस वक्त, है ना. एग्जैक्टली ये वही आप देख सकते हैं साइट है, है ना. तो यीशु मसीह ने भी ऐसी पहाड़ देखा होगा, ऐसी कोई टेकने की जगह ली होगी, एंड देन वो बैठ गए और बैठ के प्रीच करा. एक और गहरी बात बताऊँ, गहरी बात बता दूँ, यू वॉन्ट टू नो, बैठ कर यीशु मसीह ने प्रचार करा. बैठने का मतलब जानते हैं, बैठा हुआ कौन हो सकता है, पता है कौन बैठता है, कौन बैठता है, सीईओ बैठता है, सीईओ. और यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हुए हैं. यीशु मसीह ने बैठे और बैठकर जब ये प्रचार करा, सर्मन ऑफ द माउंटेन, इसका मतलब जानते हैं कि उन्हें पता था कि वो अपने किस ऑफिस में है और वहाँ पर उन्हें पता था उनका क्या सामर्थ्य और अधिकार है. सीईओ एनॉइंटिंग कहते हैं इसे, मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ, मसीहा की anointing of a CEO, the anointing of a Messiah. जब वो प्रीच कर रहे हैं, बता रहे हैं और वो बैठ कर उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड, अच्छे ने सुन रहे हैं, क्योंकि मालिक के सामने नौकर कहाँ खड़े हो सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन जब लिखा है रू आया पेंतिकॉस्ट के दिन, तो बाइबल बताती है पत्रस और उसके साथ शेष प्रेरित, शेष अपोस्टल्स खड़े हो गए. क्योंकि जब मालिक बैठा हो स्वर्ग में, हम लोग जो यीशु मसीह के क्या हैं, नौकर हैं, हमारा काम है खड़े हो जाना उनकी प्रेजेंस में, उनके लिए अवेलेबल हो जाना, है ना, और उस काम को अंजाम देना जिस काम के लिए खुदावंद ने हमें चुना है. खुदावंद आप सबको बहुत 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 बरकत दे. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद बड़े बड़े काम करने आ रहे हैं. खुदावंद आपको वो मसा, वो अभिषेक देने जा रहे हैं, जिस मसे से, जिस अभिषेक से आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने जा रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, आप ग्रेविटी को पछाड़ने जा रहे हैं, उन चीज़ों को जो आपके खिलाफ में काम करती आई हैं. प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया. और आप बड़े बड़े काम कर रहे आ रहे हैं यीशु के नाम में. आई एम टेलिंग यू दैट अनॉइंटिंग इज गोइंग टू बी अपॉन यू, दैट अनॉइंटिंग इज गोइंग टू टच यू, दैट अनॉइंटिंग इज गोइंग टू बी अपॉन यू. खुदावंद वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस, वो मसा, वो सामर्थ आपको देने जा रहे हैं यीशु के नाम में. रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए. मैं आपको इस जगह का बता देता हूँ, वही साइट है सर्मन ऑफ द माउंटेन को जीसस क्राइस्ट ने प्रीच करा था, जहाँ से आप समझ रहे हैं इस बात को. और प्रेजल देख सकते हैं, इधर वो चर्च बना दिया गया, पर जब टर्क्स आए, है ना, ओटोमन एम्पायर आया, उसने सारे चर्चेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि मुस्लिम एम्पायर था. पर खुदावंद के फजल से, अनुग्रह से ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के राज्य में दोबारा से उन चर्चेस को, उन साइट्स को दोबारा बनवाया गया जिनको तुर्की लोगों ने
डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये दोबारा से बना पाए, खुदावन का शुक्र हो, उन्हीं जगहों पर जहाँ पर ये मेन इवेंट्स बाइबल के घटे हैं। तो हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम इन जगहों को देख पा रहे हैं, इन जगहों को बना पाए हैं। सारे जलाल तारीफ महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, और मैं समझता हूँ खुदावन उन्हें भी इस चीज़ की बहुत ब्लेसिंग देंगे जिन लोगों ने इन जगहों को बिल्ड करवाया। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।